हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक्यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज हम हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में जानेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम था। अरब और बनी इसराइल इसी की तरफ मंसूब है। इसी साम की पोतों में से हजरत हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और इर्म में कहा जाता है। उनकी बस्ती का नाम अहकाफ था। अरबी में अहकाफ समंदर के टीले को कहा जाता है। ये बस्ती ओमान और हजरा मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके में थी। ये इलाका समंदर के किनारे वाकया था। कुरान मजीद में सूरत अलहकाफ आयत 21 में अल्लाह ताला ने इन्हें इनकी बस्ती की तरफ मंसूब करते हुए मुखातिब किया है। और आद के भाई को याद करो जब उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। कौम आद के लोग अपनी रहाइश के लिए खैमे पसंद करते थे। उनके खैमे बहुत मजबूत और पुख्ता होते थे। ये लोग उनको बड़ी महारत से बनाते थे और उन पर बड़ा फख्र करते थे। अल्लाह ताला सूरत अल फजर आयत 6-8 में फरमाते हैं कि आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या किया, जो नस्ले इर्म से थे, सतूनों वाले थे, जिनके मानिंद कोई कौम दुनिया के ममालिक में पैदा नहीं की गई। अल्लाह ताला ने उनकी कारीगरी और फन की एक मिसाल दी है। ये लोग अरब थे और अरबी में बात करते थे। कौम नूह के बाद सबसे पहले जिस कौम ने बुतपरस्ती इख्तियार की थी वो कौम आद थी। अल्लाह ताला सूरत अल एराफ आयत 79 में फरमाते हैं, और तुम वो हालत याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और डील डोल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया, सो तुम अल्लाह की नेमतों को ज्यादा याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, क्या तुम एक टीले पर बतौर खेल निशान लगा रहे हो? मतलब हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से इस तरह मुखातिब होते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी कुव्वत से नवाजा है। तुम्हारी ताकत का ये आलम है कि जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जुल्म करते हो। कोई शख्स तुम्हारे सामने आना गवारा नहीं करता, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। उससे डरो जिसने इन तमाम चीजों से तुम्हारी मदद की है। अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह की नेमत, माल, असबाब, औलाद, बागात, संतकारी, हर चीज से नवाजा था, मगर वो लोग अल्लाह से नहीं डरते थे, तकब्बुर करते थे, शुक्र अदा नहीं करते थे। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत हामीम सजदा आयत 15 में फरमाते हैं, पस कौम आद ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे कि हमसे जोरावर कौन है? क्या उन्हें ये नजर ना आया जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वो उनसे बहुत ही ज्यादा जोरावर है? जब वो सरकशी में बहुत ज्यादा भर गए तो हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनकी तरफ भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? कौम के काफिर सरदार कहने लगे, हम तो देखते हैं कि तू बेवकूफ है और झूठा है। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम सिर्फ बुतान माजी कर रहे हो, यानी जिन बुतों की तुम पूजा करते हो वो तुमने खुद घड़ी है। अल्लाह ताला ने इससे मुतालिक कोई दलील नहीं फरमाई। मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे इस दावत की तबलीग की कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। क्या तुम फिर भी अकल से काम नहीं लेते? अल्लाह से अपने गुज़श्ता गुनाहों की माफी तलब करो। लेकिन वो कुफर ही करते रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे, मगर वो मजाक उड़ाते रहे। कहने लगे, लगता है तू हमारे किसी माबूद के झपटे में आ गया है और इसके बायस ज़हनी मरीज बन गया है। और ये भी कहते कि ये जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की है, हम फिर से नहीं उठाए जाएंगे। यहाँ तक कि उनकी कौम ने साफ कह दिया कि आप हमें सुनाएं या ना सुनाएं, हम अपनी आदत नहीं बदलेंगे, ये तो पुराने लोगों का दीन है। इस तरह कौम उन्हें मुसलसल झुटलाती रही। आखिर हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें खुल्लम खुल्ला धमकी दी और फरमाया, लोगों सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अल्लाह को भी गवाह बना कर कि अल्लाह के सिवा जिस जिस की इबादत हो रही है मैं इन सब से बेजार हूँ। अब तुम ही नहीं अपने साथ औरों को भी ले आओ और अपने सब झूठे माबूदों को भी बुला लो और तुमसे जो हो सके मुझे नुकसान पहुँचा दो, मुझे कोई मोहलत ना दो, मुझ पर तरस ना खाओ। ये फरमाने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ फरमाई,
ऐ परवरदिगार, इनके जुटलाने पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला की तरफ से आपको जवाब मिला, ये तो बहुत ही जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह के नबी के इनकार करने और उनका मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी जोरदार आंधी से तहस नहस कर दिया कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ने उनसे बारिश रोक ली, उससे खुशकसाली की कैफियत पैदा हो गई, दरख्त और फल खत्म हो गए, वो लोग बारिश की ख्वाहिश करने लगे। इसी हालत में अल्लाह ने उन्हें अजाब देने का इरादा फरमाया। उन्होंने देखा कि एक स्याह बादल उनकी तरफ बढ़ रहा है, खुशी से उछलने लगे कि बादल इन पर बरसेगा, मगर ये तो अजाब इलाही था। इस आंधी ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया। आंधी इस कदर जबरदस्त थी कि उनकी पहाड़ों पर तामीर महलों तक को उड़ा ले गई। सूरत ज़ारियात आयत 41-42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तन्बीह है, जबकि हमने उन पर खैर बरकत से खाली आंधी भेजी, वह जिस जिस चीज पर गिरती थी उसे बसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। इस आंधी ने हर चीज को फना करके रख दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौमी आद ने भी जुटलाया, बस कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें। हमने उन पर तेज और तूंद मुसलसल चलने वाली हवा एक लगातार मनहूस दिन में भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर पटकती थी, गोया वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं। बस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना। यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, बस क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला। कुरान में अल्लाह ताला ने इनकी जिल्लत और रुसवाई इस तरह से बयान फरमाई है, कौमे आद बेहद तेज और तूंद हवा से गारित कर दी गई, वो हवा उन पर बराबर लगातार 7 रात और 8 दिन तक अल्लाह के हुक्म से चलती रही। आप वहाँ होते तो देखते कि वहाँ लोग यूं गिरे हैं जैसे वो खजूरों के खोखले तने हों। क्या उनमें से कोई भी आपको बाकी नजर आ रहा है? हूद अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से निजात दी, बाकी तमाम जगहों पर तबाही थी, लेकिन जिस जगह हूद अलैहि सलाम और उनके साथी थे वहाँ कुछ न था। कहा जाता है कि एक बाढ़ थी जिसमें हूद अलैहि सलाम जानवर चौपाए और उन पर ईमान लाने वाले मौजूद थे, और आंधी ने बाकी हर चीज को फना कर डाला सिवाय उस जगह के। अल्लाह ताला फरमाते हैं, गर्ज हमने उन्हें और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वो ईमान लाने वाले ना थे। इसी तरह से सूरत हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने हूद को और उनके साथियों को अपनी खास रहमत से निजात दी, हमने उन सबको सख्त अजाब से साफ बचा लिया। ये थे कौम आद के लोग जिन्होंने अपने रब की आयतों से इनकार किया और नाफरमानी की। इसी तरह कौमे आद तबाह हो गई, ईमान वाले लोगों ने उनके बाकी रह जाने वाले मकानात पर कब्जा कर लिया और वहां रहने लगे और लोग ईमान की जिंदगी बसर करने लगे। तो ये थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।